हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ मनी प्लांट की देखभाल। मनी प्लांट की देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। मनी प्लांट जो होता है ऐसे तो बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला प्लांट होता है, पर बहुत सो के जो हैं सवाल रहते हैं कि मनी प्लांट को की ग्रोथ जो है बढ़ नहीं रही है, मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो येलो पड़ रही हैं, तो क्या करें, और जो होता है मनी प्लांट की कटिंग को हम किस तरीके से ग्रो करें। तो बहुत से सवाल रहते हैं फ्रेंड्स की मनी प्लांट को लेकर, तो उन सभी सवालों के जवाब लेकर फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मनी प्लांट की देखभाल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे गार्डन में, मेरे घर पर जो मैंने अपने मनी प्लांट ग्रो किए हुए हैं उनकी स्थिति क्या है। अभी यहाँ पर देख सकते हो पॉट के अंदर ही मैंने ग्रो किए हुए हैं, मोस्टिक इनको दी हुई है, और जब से मैंने इनको मोस्टिक दी है तब से सभी लीव्स भी बहुत खूबसूरत हो रही हैं और पौधे भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और बाकी के जो प्लांट हैं वो भी देख सकते हो नीचे की साइड मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मनी प्लांट कर रहे हैं। ये छोटी लीव्स वाले प्लांट हैं, वो बड़ी लीव्स वाले और छोटी लीव्स वाले दोनों मेरे पास में हैं, तो इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने बेल ऊपर की साइड चढ़ाई हुई है, कोई भी पत्ता जो है ख़राब नहीं है और ना ही बेल में जो है कोई भी प्रॉब्लम है। तो मनी प्लांट की देखभाल के बारे में यही आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ मनी प्लांट जो होता है उसकी पत्तियाँ जो है येलो क्यों पड़ जाती हैं, क्यों हमारे पौधे की पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, या तो आपने इसको सुबह से शाम तक की जहाँ पर धूप आती हो या आधे दिन की भी धूप आती हो आपने इस पौधे को वहाँ पर रखा हुआ है, उसकी वजह से भी हमारे पौधे की जो लीव्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे से वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाता है। ऊपर की साइड से सारी लीव्स येलो पड़ जाती हैं, जल जाती हैं। तो धूप में तो सबसे पहले आप अपने पौधे को बिल्कुल भी ना रखें, चाहे वहाँ पर आधे दिन की धूप आती है या वहाँ पर सुबह से शाम तक की धूप आती है, धूप से आप अपने मनी प्लांट को बचा कर रखें। और फ्रेंड्स, दूसरा कारण होता है लीव्स येलो होने का एक्स्ट्रा पानी। अगर आप अपने मनी प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा पानी कर देते हो, एक्स्ट्रा पानी इसमें दे देते हो, तो उससे जो है हमारा पौधा पूरा भी ख़राब हो सकता है और इसकी जो येलो हो जाती हैं लीव्स, तो लीव्स भी हमारे पौधे की ख़राब हो जाती हैं। तो आप इसमें जो है एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना दें, मिट्टी को चेक करके ही इसके अंदर पानी डालें। अगर मिट्टी का जो पॉट में हमने इनको ग्रो किया हुआ है, आधा पॉट जब मिट्टी का सूख जाता है तब आप इसमें पानी डाल सकते हो, इससे पहले आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें। क्योंकि भी मनी प्लांट की जो स्टेम होती हैं ये अपने अंदर पानी भी होल्ड करके रखती हैं, और ये हमारा पौधा जो होता है छांव में चलने वाला होता है, तो जहां पर छांव होती है हम इस पौधे को वहां पर रखते हैं, जिससे कि हमारा पौधा बहुत दिनों तक हम इसमें पानी ना भी दें तो भी ये अच्छे से ग्रोथ होता रहता है। तो इसमें काफ़ी टाइम में ही हमें पानी डालना पड़ता है पॉट के अंदर, 12 इंची पॉट में आप इसको लगा कर रखते हो, तो अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पानी दे दिया तो काफ़ी टाइम के बाद इस पॉट का जो पानी होता है मिट्टी गीली हो जाती है, वो सूखती है, तो आप इसमें जो है पानी बिल्कुल चेक करके मिट्टी को तब डालें। अगर आप अपने गार्डन में इसको खूबसूरत और हरा भरा बनाकर रखना चाहते हो तो आप इस बात का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मनी प्लांट की कटिंग की, क्या हम इसको कटिंग से किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे को जो है कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, आप इसको दो तरीके से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मनी प्लांट है, मनी प्लांट की जो फर्स्ट स्टेम होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो है लीव्स अपनी बना रहे हैं, ये वाला हिस्सा आप ले सकते हो, और यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं यहीं पर बनकर बिल्कुल तैयार हो रही हैं। तो आप इसको जो है एक पत्ती या दो पत्ती तक का प्लांट ले सकते हो, यहाँ भी जड़ें बन रही हैं और यहाँ भी इसकी जड़ें बन रही हैं। तो आप चाहे तो इसको यहाँ से कट कर ले, आप चाहे इसको यहाँ से कट कर ले। कट करने के बाद आप इसको जो है ये वाला हिस्सा जो होता है मिट्टी के अंदर डाल दे, और जैसे ही आप इसको मिट्टी में डालते हो तो आपका प्लांट जो है बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ करने लगता है। तो ये वाले हिस्से की आप कटिंग जब भी लगाना चाहते हो इस वाले हिस्से की ही कटिंग लगाएं, ये जल्दी ग्रोथ करती है। और दूसरा तरीका जो होता है कटिंग लगाने का, आप इसको इसी तरीके से कट करके पानी की जो बोतल होती है पानी के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि बहुत से इसको जो है पानी के अंदर भी लगाते हैं मनी प्लांट को, तो पानी के अंदर आप इतना हिस्सा कट करके आप पानी में डाल दें। इसकी कटिंग जो होती है पानी में बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होती है, तो 4 से 5 दिन के अंदर ही इसमें जड़ें बनने लगेगी,
तो मनी प्लांट को आप दो तरीके से कटिंग से तैयार कर सकते हो। और जैसे ही पानी में जल्दी तैयार होता है और जैसे ही पानी में आपने इसको लगा दिया, फिर आपको उसको गमले में लगाना है, तो आप उसको गमले में रिपोर्ट कर सकते हो जब ये अपनी जड़ें बना देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जड़ें बनाते हैं पानी के अंदर। और फ्रेंड्स, एक सवाल और भी रहता है कि ये जो मनी प्लांट होता है, इसको हम कब अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो मनी प्लांट जो होता है, एक सदाबहार प्लांट होता है। सदाबहार आपको हर मौसम में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा ये डोरमेंसी में जाता है जब पूरी ठंड पड़ती है, ठंड में जो है सभी प्लांट प्रॉब्लम में आते हैं, पर यह पौधा मरता नहीं है, फिर भी चलता रहता है। इसकी लीव्स थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती हैं, तो आप जो हैं इस पौधे को परमानेंटली किसी भी मौसम के अंदर लगा सकते हो। थोड़ी जो ठंड पड़ती है उसको छोड़कर, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से ग्रो आपके प्लांट कर जाएंगे। किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगाएं, किसी भी मौसम में आप इसको ग्रो कर सकते हो। इसको ग्रो करने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, आपका जब मन करे आप इसको तब अपने घर पर ग्रो कर सकते हो। घर के अंदर लगाएं, या आपके यहाँ पर जैसे कि बरामदा होता है, बरामदे में लगाएं, या आपके पास में जहाँ भी ऐसी जगह है जहाँ पर छांव रहती है और आप मनी प्लांट को ग्रो करना चाहते हो, वहाँ पर इस पौधे को आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मनी प्लांट जो होता है, बहुत से कहते हैं कि इसमें कौन सा खाद डालें, किस तरीके से डालें। तो मनी प्लांट जो होता है, देखिए इतना इस पौधे को खाद वगैरह नहीं चाहिए। ये इसमें आप साल 6 महीने में अगर खाद डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वरना इस पौधे को जो है खाद वगैरह की इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत अच्छे से बिना खाद वगैरह के भी ग्रो होता ही रहता है, आराम से चलता रहता है। सिर्फ आप इसमें जब इसको लगाते हो, मिट्टी अच्छे से बनाएं, सैंड मिक्स कर सकते हो, सिंपल मिट्टी ले सकते हो। अगर आप इसमें सैंड मिलाते हो तो थोड़ी भुरभुरी सी मिट्टी बनी रहती है, गोबर खाद मिला सकते हो। जब आप पौधे के लिए मिट्टी बना रहे हो, तो आप अगर मिट्टी इसमें अच्छी डालते हो तो आप इसमें खाद फिर ना भी डालें, सालों तक ना भी डालें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तब भी आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से ग्रो होता ही रहता है और बहुत ही खूबसूरत ये बना रहता है हमारे गार्डन में। और फ्रेंड्स, मनी प्लांट को जब भी कोई ग्रो करता है तो ये सोचकर ग्रो करता है कि ये एक मनी प्लांट है, इससे पैसा आता है, इससे जो है धन आता है। ये प्लांट जो होता है लक्की प्लांट होता है, लक्की प्लांट ये होता है। पर देखिए, जब भी हम खुद मेहनत करते हैं, पैसा तो तभी आता है। सिर्फ ये जो पौधे होते हैं, कुछ हमारे घर की निगेटिव जो होती है ऊर्जा, उनको पॉजिटिव बनाने में काम करते हैं। ये हमारे घर में शुभ प्लांट माने जाते हैं लगाने, तो मनी वगैरह इनसे कोई इतना खास प्रभाव नहीं रहता है। सिर्फ आप इसको पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में लाने के लिए अपने घर में इन पौधों को लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे घर का वातावरण अच्छा बना रहे, शुद्ध बना रहे, और हमारे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी आती रहे और निगेटिव जो एनर्जी होती है वो जाती रहे। तो इसलिए हम अपने घर में जो है शुभ प्लांट जो होते हैं, लक्की प्लांट जो होते हैं, उनको लगाते हैं, और हमारे घर पर ये बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसको अच्छे से लाते भी हैं। तो मनी प्लांट को सभी को अपने घर में ग्रो करना चाहिए, सभी को अपने घर पर थोड़ी जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे से पॉट में भी ग्रो हो जाता है और बड़े पॉट में भी आसानी से चलता रहता है। इसके बहुत सी वैरायटी आती हैं, जो भी आप वैरायटीज़ की लेकर आना चाहते हो वही ला सकते हो। मेरे पास इसकी दो वैरायटी हैं, यहाँ पर ये बड़ी लीव्स वाली है वेरीगेटेड, और वहाँ जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये छोटी लीव्स वाली है। ये भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत प्लांट हमारे यहाँ पर बना रहता है। तो आप इसकी जो भी वैरायटी आपको मिलती है वही आप इसकी लेकर आ सकते हो, अपने घर पर लगा सकते हो और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हो बेल वाले पौधे से। इसके नाम भी बहुत सारे होते हैं, कोई बेल वाला पौधा बोलता है, कोई मनी प्लांट बोलता है, कोई लक्की प्लांट बोलता है। तो आप इस पौधे को जिस नाम से भी पुकारते हो उसी नाम से जो है लेकर अपने गार्डन में अपने घर पर ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी मनी प्लांट को। अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।